दोस्तों, ये जो लड़की आपको दिख रही है ये पश्चिम बंगाल से बिहार चलकर आई है। आखिर बिहार क्यों आई है ये बात हम इनसे ही पूछेंगे और जानेंगे। ये जो आप सामने में इस तरह भीड़ देख रहे हैं, ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, आखिर मामला क्या है? जो ये रो रही हैं, तरस रही हैं, क्यों रो रही हैं पता नहीं। सारा बात इन्हीं से जानना पड़ेगा क्योंकि सारा बात मुझे पता नहीं है। अब पापिया जी, क्या हुआ है आपके साथ? पापिया जी, क्या हुआ है आपके साथ? पहले चुप चुप रहिए, आप एकदम शांत रहिए। क्या हुआ है? क्या हुआ है बताइए। हमसे प्यार करके शादी किया, हमारा बात इतना ही है। अगर वो हमसे, हम चाहे जो हूँ जैसा हूँ, वो जानबूझ के 5 साल से हम जानता हूँ दोनों एक दूसरे को। उसके बाद 3 साल हुआ शादी किया हूँ, शादी कर चाहे मंदिर में करूँ जो भी शादी किया हूँ। शादी करने के बाद वो ऐसे जब छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है हमको? अब कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे छोड़ के भाग जाता है। ऐसे ही 3 बार गया ऐसे ही, और भाग जाता है 20 दिन 25 दिन ऐसा ही छोड़ के चल जाता है। यहाँ वहाँ घूमता है, इधर आता, सब जगह हमको लेके नहीं आता। अच्छा, ऐसा ऐसा सुनने में आया है जो पश्चिम बंगाल से चलकर आप बिहार आई हैं, सही बात है? तो यहाँ आई क्यों आई? से हम तमिलनाडु से आया हूँ, मतलब उसका साथ में हम तमिलनाडु में था, पहले अरुणाचल में था। मतलब आप पति के साथ तमिलनाडु में? हाँ हाँ, ड्यूटी करता है, वहीं पर घर लेके नहीं आता। उसका माँ गाली देता है, दीदी लोग गाली देता है, बोलता हमको बोलता है मर जाना मर जो ना जय पी के मर जो ना। प्रशासन आपको यहाँ छोड़ कर गई है? हाँ। अब ये बताइए, पश्चिम बंगाल से बिहार आई अपने पति के साथ और यहाँ पर इनका पति छोड़ दिया दलसिंहसराय स्टेशन पर, उसके बाद ये भटक भटक कर दलसिंहसराय थाना में पहुँचती है और वहाँ के प्रशासन इनको वहाँ से उठाकर इनके पति के पास छोड़ देती है। ये जो आपको घर दिख रहा है ये इन्हीं का घर है? अच्छा, ये बताइए पहले, पति से बात हुई है? ना, हमसे वो जब से उसको नहीं मिलता तब से कोई बात नहीं, उसको फोन सिम बंद कर दिया। मतलब जब आप यहाँ आई हैं जब से तब से बात नहीं? एक बार भी नहीं। तो दिक्कत क्या है आपके साथ, क्या हो रहा है? हमको जब प्रशासन यहाँ पहुँचा कि वहाँ पर हम रिपोर्ट लिखा है, केस नहीं किया, जो हमको रहना है, पुलिस बड़ा बाबू हमसे पूछ रहा है तुम क्या करना चाहते हो, वो लोग तुमको मार देगा। वो जो भाग गया उसको तो मन नहीं है संसार करने का तुमसे। हम बोला हम तो समझ रहा हूँ लेकिन हम क्या करूँ, अभी तो हमारा ठिकाना नहीं है, तो हमको कैसे भी उसके घर पहुँचा दीजिए और ऐसे हम जाऊँगा। वो लोग धमकी दिया, इसका बहन लोग आग जला के मार दूंगा अगर घर पर आओगे तो। हम उस डर से कभी आया नहीं कि आपकी नन्ना कैसा धमकी दी। फोन में बात हो रहा था, ये लोग एक बड़ा दीदी दीदी है सब, दीदी बोलता, हम बोला था दीदी, उसको बोल उसको फोन में बात कर रहा, हमसे फोन बात करने के दिया। उस टाइम आसाम में भी था, उस टाइम भी बात हुआ उसका। हम फोन ही में गाली दे, बहुत गाली देता है, धमकी देता है, आओगे तो मार दूंगा। और फिर उस 2 बार 3 बार हुआ छोड़ के गया, 2 बार छोड़ के गया, हम कुछ नहीं किया। 2 बार कहाँ छोड़ कर गए? 2 बार, एक बार रानागढ़ स्टेशन पर पराठा लाने जा रहा हूँ बोल के, कोई कभी झगड़ा नहीं करते, ऐसे ही मिल मिट के आ रहा है, आते आते ऐसे ही छोड़ के चुपचाप निकल जाता है और नहीं मिलता है। फिर एक बार छोड़ा हावड़ा स्टेशन पर छोड़ा, उस दिन भी बहुत 7-8 दिन हो गया, इसलिए हम वहाँ पर एफ आई आर किया था उसके नाम पर। सर ऐसे ऐसा बात है, छोड़ के चला गया, हमको नहीं मिल रहा है। अभी बोला हूँ एफ आई आर का है, वो हावड़ा जो GRP स्टेशन पुलिस स्टेशन में लेडीज, तो वहाँ पर करके तब 7-8 दिन बाद फिर सुन रहा हूँ किसी का मुँह से हाँ शादी फिक्स हो गया। तब हमको बहुत गुस्सा आया, जो हमको घर पर लेके नहीं आता है उसका एक बहन है, हम सब मान लिया जो हमारा बहन का शादी होने दो, तब लेके हमारा ठीक है। तब चुपके से शादी क्यों कर रहे हैं, जो हमको वादा किया वो चुपके से शादी कर रहे हैं। जब शादी कर, हमको बहुत गुस्सा आया जब सुना हूँ हम, उसके बाद हम फोटो छोड़। अच्छा, आपको ये पता चला जो हमारे पति दूसरे से शादी कर रहे हैं? हाँ, तब हम उसका फोटो सब छोड़ने लगा हूँ फेसबुक में, छोड़ रहा हूँ कि लोग जाने जे किसी को बर्बाद करने के बाद फिर किसी का जिंदगी बर्बाद। देखिए होता क्या है ना, आदमी 2-4 दिन के प्यार के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, सच्चाई यही है आज का सच्चाई। बहुत कुछ आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन पापिया जी सही बोल रही है या गलत, वास्तविकता क्या है ये यहाँ के ग्रामीण ही बता सकते हैं। इनका ये कहना है कि हमारे साथ मारपीट होता है, हमारी सास हमारी ननद हमको मारती है, पीटती है और धमकी भी देती है, लेकिन सच्चाई यहाँ के ग्रामीण से ही पता चलेगा। यही के हैं? नहीं बाबू, काहे देखने आई है ये नहीं पता इनके साथ। हम लोग का घर बाबू कहाँ दूर है, इतना दूर है कि सुने तो दौड़ के। हमको देखने आई थी क्या? हाँ बेटा, इतने वक्त बुझ जा, हम लोग यहाँ पर के नहीं है, पता नहीं है, कुछ पता नहीं है बेटा। ना हम लोग तो ग्रामीण, कौन है बगल के, कौन है बगल के कौन है, क्या नाम है भैया, नाम क्या है? ये देखिए सच्चाई है, जो ये लोग सच बोलने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन अभी तमाशा देखने के लिए 1000 लोग पहुँच गए हैं। एक बार दिखा दीजिएगा चहुं तरफ जो कितने लोग पहुँचे हुए हैं जी। लेडीज लोग से पूछिए ना कि वो पड़ोसी है उनका, वो बताएंगे। देख रहे हैं ना, बोलने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। अरे ये सच्चाई है मैडम कि इनका लड़का शादी किया है, ये सच्चाई है, स्टेशन पर छोड़ के जो है इससे भागा है, ये सारा समाज जान रहा है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे इनकी सास इनकी ननद इनको रखने से क्यों डर रही है? तो उनसे पूछिए ना आप, क्यों डर रही है?
बात है ना सर, यहाँ के लोग जो हैं पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, जबकि रखना उनको नहीं है। अरे आप तो जैसे भी हो इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो शादी किया है, या मंदिर से किया हो या कोर्ट से किया हो। सास कहती है कि जो हमारे बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से रखेंगे, ये क्या नहीं है, बेटा नहीं है तो हमारा बहू कहाँ से रखेंगे, हम किस कौन खिलाएगा, हम खुद गरीब है, हम इनको क्या खिलाएंगे, ये कहती है इनको। लेकिन उनका बेटा शादी तो किया है, बहुत जब तुम छोड़ के भाग गया है वो तो कभी ना कभी उनको बुलाएंगे, जब तो प्रशासन छोड़ के गए हैं तो प्रशासन ढूंढ के लाएंगे इनको, उनके उनके पति को लाएंगे ना, है जब तो बेचारी रहेगी, इनको धमकी देते हैं जब हमारे बेटा नहीं है तो तुमको कहाँ से रखेंगे, बहू को ऐसा ऐसी बोलते हैं। सास कहाँ है, सास थोड़ा पास आइएगा, आइए, बेटा शादी किया है कि नहीं, इनसे बेटा शादी किया है कि हाँ, हम रानी नहीं देख रहे बाबू जी, शादी किया नहीं किया से हम आप नहीं देख, नहीं फोटो अपना सारा कुछ साथ में लेकर आई हैं, इनके पास सबूत है तो आप कह रही हैं हम नहीं देखे, हम कुछ नहीं देखा। आपका बेटा इनको छोड़ के भागा है कि नहीं, हमने एहन कुछ नौकरे से हम नहीं देख लिये रानी, बेटा आपको कुछ नहीं पता, नहीं नहीं बताता रानी, आप इनको मारते पीटते क्यों, एको थप्पड़ नहीं मारता। देखिए ग्रामीण अभी जस्ट ग्रामीण बताए हैं जो आप मारते पीटते, नहीं नहीं कोई झूठ 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 मतलब लोग सब झूठ बोल, हाँ ये देखिए ये भी बोलने से डर रही है, सच्चाई यही है, प्रशासन दलसिंह साहब प्रशासन इनको यहाँ पर छोड़ कर गयी, आप रखिएगा इनको, माइक से नहीं बोले तो किससे पूछे, बताइए आप इनके साथ मारपीट करती हैं कि नहीं, नहीं मारपीट करते ना, आप बढ़िया से रखिएगा, आपका पुतौह हुआ बढ़िया से उसको रखिएगा तब ना वो बढ़िया से रहेगी। अरे अगर आपके बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्या करते आप, अरे आप भी तो सोचिए कि वो भी किसी की बेटी है, जोर में रहे, जाति हम लोग को सारा कुछ मालूम चला है, हम लोग भी समाजे के ना है, मालूम चला है कि पैसा लेने टाइम जो है ठीक ठाक था, ठीक है ना, क्या सोना आया है क्या चांदी आया है सारा भी हम पीछे में पता किए हैं, ठीक है ना। अरे आपको नहीं भी आपका बेटा लिया ना, सर सर ये क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो ये रखने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जब इनका बेटा शादी किया है उनसे, आप रखिएगा उसको, ये अपना चुप्पी नहीं खोल रही है, सच्चाई ये है जो अभी भी ये रखना नहीं चाह रही है, आप शांत हो जाइए। और सबसे बड़ी बात है इनका पति इनसे बात नहीं करता है, वो कहाँ है नहीं है कुछ भी पता नहीं है, तीन बार इनको छोड़कर भी चला गया है, अभी भी बेचारी डर रही है जो मेरा पति हमको रखेगा कि नहीं, क्योंकि सास और ननद तो दुख तकलीफ दे ही रही है, और सबसे बड़ी बात है जो पति साथ में नहीं है, पति कहाँ है कुछ भी कहना मुश्किल है, और बार बार ये लगातार थाना को कॉल कर रही है, प्रशासन को कॉल कर रही है, जो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, तो बस ये इतना चाह रही है जो हमारे साथ रखा जाए। और देख लीजिए यहाँ के लोग इतने सारे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, क्या क्या हुआ जी, बात क्या हुआ, हमको तो अभी पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि शादी यहाँ हुआ है, फिर सेकंड शादी लड़का किया है, लड़का सेकंड शादी, हाँ अब कहाँ कराया है सो पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है, जैसे उसका बड़की बहन ही कराया है, मतलब शादी एक और हो चुका है, हम लोग सुने हैं, देखे नहीं, देखे नहीं है, ये सुने हैं जो एक और शादी लड़का कर चुका है, शायद इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, ये मैंने भी नहीं देखा है, ये इन लोगों ने भी नहीं देखा है, बस ये लोग सुन रहे हैं जो लड़का का शादी एक और हो चुका है, हम लोग गांव में जैसे कि सुने हैं काने कान से, लेकिन जिस लड़की से उन्होंने शादी किया, इनके पति शादी किए हैं, इस लड़की के साथ अभी इंसाफ होना चाहिए कि नहीं, ये लड़की बेचारी रो रही है, ढनक रही है, भटक रही है, ये अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, बस ये अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, घर में तो है लेकिन सुख चैन से है क्या, तो सुख से नहीं है, कैसे रात कटा दिन कटा, और रात दिन कटा रो काहे रही है, रो रही है, अरे इसे दूसरा गांव से आई सा, इसका सवार इसके लग में, इसको इसको सुख चैन आप कहिएगा, इसको आप सुख चैन कहिएगा, सुख चैन कहिएगा, पति नहीं जब तक लग में रहेगा जब तक सुख चैन नहीं है इसको पास। देखिए बात यहाँ ये है जो इनको इनको अभी अपने पति की आवश्यकता है, लेकिन पति है नहीं तो अगर रंजीश पति बिना इसको है रंजीश दिल जी, पति नहीं है तो इसको रंजीश रहबे ना करेगा दिल में, पति नहीं है ये तो अनचिन्हार आदमी है, दिया पर रहने दिया, हम कोई हमारे तब भी हम कोई शिकायत नहीं, जैसे उसका हाथ पकड़ के हम उसका हाथ पकड़ के हम घुसा था, इसका हाथ पकड़ के खाना पीना मिलता है कि नहीं, खाना पीना तो हम यही तो अभी एक बजे खाया हूँ, एक बजे दिया सुबह नहीं कुछ, अभी एक बजे खाया हूँ कल भी, और रात में रोटी कैसे खाए, मुँह से जाता है एक गाने एक तो गाली सुन रहा हूँ, सब मिलकर गाली दे रहे हैं हर टाइम 24 घंटा, ऊपर से इतना गाली दे रहे हैं, मन कर रहा है मर जाओ, मन कर रहा है
बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। हम जिस टाइम ये लोग गाली दिया ना, तो आप पूछ सकते हैं उस टाइम हम जो मुखिया जी सब मिल के हम उतना फोन भी नहीं कर पाता हूँ, चुपके से हम उसको फोन किया था, एक बार उठाया नहीं। किसको कॉल किया? जो यहाँ का जो बोल के गया ना मुखिया लोग, हाँ, जो सरपंच, वो लोग पास जब सब मिल के बोल रहा है हमको, हम रो रहा पढ़ के, यहाँ पर हमको लग रहा है सिर्फ मारना बाकी, और मार से भी ज्यादा गाली होता है, सब मिल के इतना गंदा गंदा बात हम मारा है कि नहीं मारा है? नहीं मारा, आज नहीं मारा ना, जिस दिन आया उस दिन मारा, छत पर गया बैठा वहाँ पर भी बाल पकड़ के मार रहा है उस दिन भी, तब भी हम शिकायत नहीं, उसके बाद भी ये लोग आया, चादर से लोग आया, तब भी हम नहीं बोला, शिकायत नहीं किया, क्योंकि बूढ़ी बूढ़ी आदमी हम नहीं चाहते उसका टॉर्चर, हम नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों प्यार के, हम दोनों शादी किया, हम किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे इतना है जो जब तक ना है हम अगर इधर उधर भटकूंगा कहाँ मारूँ, इसलिए हमको रहने दिया जाए यहाँ पर, जब तक जिंदगी भर ना आए हम इंतजार करूँगा, और कुछ नहीं चाहता, हमको गाली ना दे ऐसा। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, इनके पति अभी हैं कहाँ, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो दूसरा भी शादी कर लिए हैं, ऐसा कह मतलब सुनने को आ रहा है, लेकिन कोई आंख से देखा नहीं है, और ये बेचारी चाहती है हम अपने घर में सुख चैन से रहे, अपने परिवार के साथ रहे, क्योंकि एक लड़के से ये पहले भी शादी कर चुकी है, उनके साथ भी ये शायद सुख चैन से नहीं रह पाई, और अभी ये दूसरे पति के घर में आई है तो इनके साथ मारपीट किया जाता है, पति गायब है, पति कितने दिन से गायब है? मंगलवार से, सोमवार दिन हम लोग एक साथ था, हाँ। मंगलवार से गायब हो पूरा, आप फोन तो सब बंद कर, दो तीन गो चिंता सब बंद कर दिया सब, बस चाहती है इतना है जो हमारे पति हमारे पास आ जाए, हमारे साथ रहे, हमारा परिवार खुशी हंसी एक साथ रहे, बाकी कुछ नहीं चाह रही है, लगातार प्रशासन को कॉल कर रही है, अब क्या होता है ये आगे बताया जाएगा, इनके साथ जो होता है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करूंगी, बाकी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।